अस्सलाम वालेकुम, वापसी की तैयारी स्टार्ट, सामान पैक हो गया है, तो बस यादिल पीछे वजी और मैं वजी के साथ और पीछे आमिर मुझे चुकाने के लिए जा रहे हैं जी लाहौर एयरपोर्ट पे। दिल बड़ा उदास है, अभी अम्मी से मुलाकात करके आया हूँ, अपनी बहन भैया से मुलाकात करके आया हूँ, तो बस दुआ कीजिएगा तो खैर अफियत से घर पहुँचूँ। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं इंग्लैंड में, तो कतर एयरवेज है, साथ साथ होंगे आप यकीन, जो भी सफ़र में जिस तरह का सफ़र गुजरेगा आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। अब दो में याद रखिएगा कि खैरोफियत से मैं घर पहुँचूँ अपने, तो दोपहर का वक्त होगा इंशाल्लाह जब मैं पहुँचूँगा इंशाल्लाह ताला। 12:30 फ़्लाइट पहुँचनी है मैनचेस्टर में, और आदिल छोड़ने जा रहा है, आप अक्सर मेरे ब्लॉग में देखते हैं, छोटा भाई है ये, और ये वजी का तो आपको पता ही है सबको, वजी तो वजी है, जैसे आपको पता है वजी तो वजी है ना, तो पता नहीं चला, यकीन करें 15 दिन का तो पता भी नहीं चला, अभी लगता है जैसे कल आया था और आज वापस जा रहा हूँ। और ये देखिए आप रश देखें जरा कितना है, समनाबाद मोड़ है ये, और ट्रैफिक इतनी है कि मैं बेसिकली ट्रैफिक ज़्यादा इसलिए भी है कि वो आपको पता है कि इमरान खान की वजह से थोड़ा सा उन्होंने एहतजाज किया, स्ट्राइक की हुई है, तो उस वजह से भी थोड़ी रश की वजह से प्रॉब्लम आई है। मैं थोड़ा घंटा पहले निकल पड़ा हूँ कि कोई खुदा ना खास तक मसला ना हो, रोड्स ब्लॉक ना हो। फ्लाइट तो मेरी 3 बजे की है, मगर मैंने कोशिश की है कि मैं तकरीबन अराउंड 11 o'clock निकल पाऊँ घर से, तो साथ साथ रहें इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। अभी इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं डीजी रिक्शा में बैठ के, तो मिस करूँगा सबसे ज़्यादा अपने बहन भाइयों को, खासतौर पर वजी को, वजी ने बड़ा टाइम दिया इस दफ़ा फिर, तो रहें साथ साथ, दिल उदास हो गया यकीन करें, जितना मज़ा आ रहा था ना पाकिस्तान से, यानी यूके से आते हुए कि पाकिस्तान जा रहा हूँ सरप्राइज़ है, तब उतना ही दिल उदास हो जाता है। जब इंसान पाकिस्तान से निकलता है ना यार, दिल बहुत उदास हो जाता है, तो अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही खुश में रखें, खुशी का आने वाला हो, खुशी का जाने वाला हो, तो हमेशा अल्लाह ताला ऐसे हो। ले जनाब पहुँच गए हैं जी लाहौर एयरपोर्ट, एंड आमिर आदिल एंड वजी मेरे साथ, मैं वजी के साथ साथ साथ, तो बस अभी तैयारी है जी कतर के लिए, दोहा के लिए, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैरियत से लेके जाए। पाकिस्तान से जाने को दिल नहीं करता, बिल्कुल दिल नहीं करता, मगर क्या करें, मजबूरियां हैं, परदेश में रहते हैं, फैमिली है वहाँ पे, अपना एक सिस्टम है, किसी तरह पाकिस्तान में भी सिस्टम है और जैसे यूके में भी सिस्टम है, तो क्या करें। लाहौर एयरपोर्ट माशाल्लाह बहुत एक्सटेंड किया मेरे, आज ना रश नहीं था बिल्कुल भी, तो बड़े आराम से हम लोग गाड़ी पार्क की है बड़ी तसल्ली से। अच्छा उन्होंने पूछा है कि जी कौन कौन जा रहा है, तो आदिल ने बताया कि जी आमिर एंड वजी जा रहा है जी। कहाँ जा रहे हैं जी? कतर। टाइम क्या है जी? 3 बजे का। तो जो सवारी जा रही थी उनसे पूछा ही नहीं उन्होंने, यानी कि मुझसे उन्होंने पूछा ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इन दोनों से पूछा, उन्होंने कहा जी बंदे दोनों लग रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाने दें फिर चलते हैं। तो गाइस आ गए जी, देखिए ये है जी लाहौर एयरपोर्ट, बस दुआ करें अभी इमिग्रेशन क्लियर होती है उसके बाद फिर आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करते हैं। फुल टाइम जो है ना दिल की धड़कने एकदम जैसे वो ढीली पड़ी होती हैं कि यार पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो बस ऐसे ही मामला था। अम्मी भी उदास हो गए थे, बहनें भी उदास हो गई, भाई भी उदास हो गए, पता भी नहीं चला 15-16 दिन का तो बिल्कुल पता नहीं चला, 2 दिन तो वैसे सफ़र में, एक आने का एक जाने का, तो बीच में रहते हैं सिर्फ 14-15 दिन, तो वक्त कोई पता नहीं चलता। तो ये है जी आदिल वजी एंड आमिर। वजी 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 मेरा दिल कहता है तो इसी तरह आ रहा हो और तुझे मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट से पिक करूँ, वेरी सुन वजी बहुत जल्दी आ रहा है जी, क्योंकि वजी माशाल्लाह ACCA पढ़ रहा है और इंशाल्लाह इसने उसी सब्जेक्ट के बिहा पे इसने इंशाल्लाह ताला सून इंशाल्लाह यूके नज़र आएगा आपको ये, फिर मैं वजी और वजी मेरे साथ। लें जी बोर्डिंग होगी क्लियर और हो गया सामान सारा क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, सारा सामान क्लियर हो गया और बस अभी क्लब सैंडविच खाया अंदर आके, उसके अलावा क्या कहते हैं साथ एक स्प्राइट की बोतल ली है, तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है सामान सामान एवरीथिंग क्लियर, सिक्योरिटी क्लियर करके तो अंदर आ गए, बस अभी यहाँ से वेटिंग रूम में बैठते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद फिर देखते हैं कितने में फ़्लाइट निकलती है, 2 घंटे की फ़्लाइट अभी है यहाँ पे, 2 घंटे लग जाएंगे मज़ीद, तो
अभी कुछ चेक करते हैं क्या खाना पीना है, तो उस हिसाब से भी चलते हैं, साथ साथ रहें। मज़ा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है कि वापस अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ और दिल उदास है कि अम्मी को छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी देखते हैं। आगे हैं जी ग्लोरिया जीन्स, ये है वेटिंग एरिया एयरपोर्ट का, टॉप सेकंड फ्लोर, उधर आके बैठ गए हूँ अभी। तो यहाँ से अभी करेंगे हम अपने फेवरेट लाटे कॉफ़ी। भाईजान आ जाए, ये भाईजान हमें अभी लाटे बनाएंगे जी। क्या नाम है भाईजान आपका? अनायत। हाँ जी अनायत, आवाज़ ही नहीं आ रही आप। अनायत, अनायत भाई, अनायत भाई बेहतरीन किस्म की ना एक लाटे लेके आए। हमारे पास मीडियम साइज है, स्मॉल साइज नहीं, मीडियम लेके आए मगर ज़रा हॉट हो। ओके राइट, ठीक हो गई है जी मेरी लाटे, चेक करें क्या ज़बरदस्त इनकी लाटे कॉफ़ी है, चेक करें क्या ज़बरदस्त दिल बनाया हुआ जी माशाल्लाह। तो अभी पीते हैं इसको और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है इसका। टेस्ट पी के पता चलेगा। पहले अभी इसमें हम क्या शुगर डालेंगे जी, वाइट शुगर है एंड ब्राउन शुगर है। शुगर बड़ी थोड़ी लेके आए हैं मगर, क्योंकि शुगर थोड़ी है ना, ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो एक सेकेंड, माशाल्लाह जहाज़ के अंदर आ गया हूँ। विंडो सीट 23H, विंडो नहीं है यार बल्कि मेरी 23H वो है। बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा विंडो से, उठना पड़ेगा। नहीं जहाँ विंडो सीट तो नहीं मिली, जो मैंने बुक की थी वही मिली है। तो 23H में बेहतरीन सीट बैठ मिल रही है, ज़बरदस्त। इधर से ज़रा इजी है यहाँ से उठ के टॉयलेट तक जाना, लगेज ऊपर रख दिए। आई थिंक सो जहाज़ फुल होगा, देखते हैं क्या मामला होते हैं। नहीं जी अभी कतर एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, दोहा एयरपोर्ट पे। फ्लाइट इन टाइम, इन टाइम पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, जब गया था ये तब भी इधर ही था, मैं आया हूँ तब भी इधर ही है। ये कितने महीनों से इधर ही बैठा हुआ शहजादा। लोग आते हैं जाते हैं मगर ये स्टिल इधर ही है जी, इसका दिल ही नहीं करता कहीं जाने की। फ्लाइट नेक्स्ट जो है मेरी 7:35 पे है मैनचेस्टर के लिए, QR 27। तो गेट अभी लगा नहीं है, तो ज़बरदस्त फ्लाइट थी, बड़ा मज़ा आया है, सो के गुजारी है, सो गया था, कॉफ़ी पी थी कि नींद ना आए मगर कवर शायद थी इसलिए नींद आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गया हूँ दोहा एयरपोर्ट पे। ये देखें ये जी कतर एयरपोर्ट, आजकल वो फीफा लगा हुआ है यहाँ पे इनका, फीफा वर्ल्ड कप, तो बहुत ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी की हुई इन्होंने। सबसे पहले जहाज़ से उतर के जनाब इमिग्रेशन क्लियर की, यानी कि जो उनकी सिक्योरिटी चेक होते हैं वो क्लियर किए हैं, इमिग्रेशन तो नहीं कह सकता मैं, सिक्योरिटी चेक से। उसके बाद फ्रेश होने के लिए टॉयलेट गया, फ्रेश हुआ वहाँ से, अभी बाहर ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ आए हैं। ये देखें ये कतर का एयरपोर्ट वैसा ही है जैसे छोड़ कर गया था, चेंज नहीं होता। ये दुबई का एयरपोर्ट चेंज हो जाता है वैसे, कई दफ़ा देखा डिफरेंट डिफरेंट नई नई चीज़ें आई होती हैं, तो ये वैसे का वैसे नज़र आता है। इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नज़र नहीं आती। ये है जी कतर ड्यूटी फ्री शॉप, देखते हैं यहाँ पे क्या है जी कतर ड्यूटी फ्री में। आपको ऑलरेडी मैंने एयरपोर्ट दिखाया हुआ पहले भी मेरे ब्लॉग्स में, तो वही है जैसा था। इतना कोई फर्क नज़र नहीं आएगा आपको वैसे ही है। तो गाइस यहाँ से चलते हैं अभी हम परफ्यूम सेक्शन की तरफ। एज विजुअल जैसे पहले क्या कहते हैं ना वो आप पे, क्या कहते हैं अपने, जब भी हम आते हैं
किसी भी एयरपोर्ट पे तो फिर परफ्यूम तो बनता है ना जी। अच्छा ये कोई नया ब्रांड आया जी जेंगो, ये है जी जैसे टेंगो था उन्होंने जेंगो बना दिया, वाह जी वाह। तो पेंडोरा भी है यहाँ पे, यूके का ब्रांड है ये, है तो इंटरनेशनल ही है। चेक करें जरा क्या क्या जबरदस्त किस्म की शॉप्स हैं। अभी चलते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे फेवरेट हैं जनाब, वहाँ चलते हैं। यहाँ की मेरी वीडियो बनी हुई है इस जगह की, ये मसाज की जो गन्स मसाज होती है उसके थ्रू चेक करवाते हैं दबा के। तो यहाँ से पोस्ट आ गया, अच्छा ये फूड कोर्ट साइड आ गई है, ठीक ठीक हो गया। ये स्मोकिंग एरिया के लिए, अगर किसी ने स्मोकिंग करनी हो उसके लिए एरिया बनाया हुआ। लास्ट टाइम भी इधर आया था तो मैंने देखा था बर्गर किंग था पहले, वो ख़त्म कर गए हैं यहाँ पे। तो बर्गर किंग नहीं है तो फिर बर्गर खाने का मज़ा नहीं है यार, वैसे भी भूख नहीं है ऑनेस्टली बिल्कुल। एरोप्लेन में काफ़ी कुछ खाने के लिए दिया इन्होंने, अभी इसकी ख्वाहिश नहीं है कुछ खाने पीने की। तो गाइस अभी वेट करते हैं अपने वेटिंग एरिया पे जाके देखते हैं। ये तो मुझे पता है कि B3 गेट नंबर है, B3 वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट फ्लाइट मुझे बैठते हैं, फिर आपके साथ दोबारा कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ रहें, तो इजाज़त दें, फ्लाइट में बैठ के आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करते हैं। ये परफ्यूम्स आ गए जी, परफ्यूम्स आ गए, तो इजाज़त ले बैठा था। तो ये देखें जी कार्स हाँ वही हैं जी, कार्स जो 15 दिन पहले खड़ी हुई थी, अभी वो यहाँ चेंज नहीं किया इन्होंने, तो इट्स मीन के इसका मतलब कि 15 दिन में ये चेंज नहीं करते, कम से कम महीना लगाते हैं ये। अच्छा राइट हैंड साइड में मेरे एप्पल का स्टोर होना चाहिए, वो देखें जी ये एप्पल स्टोर है ये सामने, तो ये जैसे आपको दिखाया था लास्ट टाइम कार्स वगैरह खड़ी हुई हैं, ये जी एप्पल स्टोर देखिए, भी गल्फ वालों की कार खड़ी हुई है। ये वैसे पेट्रोल पंप है इसका गल्फ का यूके में, ये एप्पल के प्रोडक्ट्स लगी हैं जी यहाँ पे सारी। ये बहुत अच्छी निकाली इन्होंने, अच्छा 883 न्यू डिजाइन निकाला इन्होंने, 883 अच्छा। तो ले गाइस मिलते हैं फिर अभी कुछ देर बाद प्लेन में बैठ के, तो अभी यहाँ बैठ कर थोड़ा सा टाइम किल करते हैं, देखते हैं कुछ खाते हैं कुछ वेट करते हैं, तो मिलते हैं फिर दोबारा एरोप्लेन में मैनचेस्टर के लिए।